हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल यूपी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया, कह सकते हैं एक नोटिस आया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो बोर्ड है UPPRP भी, जो भी इसका नाम हो, ठीक है, वो क्या किया है, एक ऐसे टेंडर के लिए इन्विटेशन दिया हुआ है एजेंसीज़ को जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा और मैं पहले बताया था आप लोग को कि ये वैकेंसी इस साल नहीं आने वाली है, ये केवल एक न्यूज़पेपर्स का एक प्रोपेगेंडा है, कह सकते हैं, मैं पहले भी बोला था। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसा ही कहने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये बस एक अभी टेंडर का इन्विटेशन है, अभी और कुछ नहीं है। इसको लेकर के काफ़ी यूट्यूबर्स, काफ़ी सोशल मीडिया के योद्धा ये अफवाह फैलाने लगे हैं इसका नोटिफिकेशन सितंबर में आ जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं श्योर बोल रहा हूँ, जिसको पूरी बात सुननी है पूरा अंत तक वीडियो देखे, मेरी बात सुने, जिसको बस इतना सुनना था कब होगा कब नहीं होगा, वो अभी वीडियो मेरा स्किप कर सकता है, क्योंकि अब पूरी बातें डिटेल बताएंगे मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ और क्या इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, और कौन सी एजेंसी लास्ट में फाइनल हो सकती है, ठीक, और विज्ञापन कब आएगा, आयु सीमा कब से जोड़ा जाएगा, किताबें कौन सी लेना है, मतलब ये सारी बातें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, पहले जो ये बिट्स इन्विटेशन जो नोटिफिकेशन है इसको हम देख लेते हैं, फिर इसमें बताते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है, और यहीं से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग आँख बंद करके किसी पर भी अंधाधुंध विश्वास ना करें, मेरे ऊपर भी अंधाधुंध विश्वास ना करें, जब तक मैं आपको लॉजिक ना दूँ, कोई रीज़न ना दूँ कि ये बातें क्यों है, कैसे है और क्यों यही होगा। ठीक है, तो विदाउट लॉजिक आप किसी की बातों पे विश्वास ना करें तो ही अच्छा होगा। तो पहले हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है, फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन सी एजेंसी फाइनल हो सकती है। ठीक है, तो ये देखिए, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यानी इसको कोई बोलते हैं UPRP भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका नोटिस जो आया है ये July 20 यानी कल का है, अभी कल ही शाम को आया है, तो इसमें हम देख रहे थे क्या लिखा हुआ है। डियर सर, द UPPRPB, ठीक है, द UPPRPB, UPPRPB होता है, यहाँ UPRPB बोल दिया हूँ, सॉरी। ठीक है, द UPPRPB इज अ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ UP फॉर कैरिंग आउट ऑल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन प्रोसेसेस फॉर सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स। द बोर्ड एनविसेज रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल एंड फीमेल 2019 फॉर अबाउट 5623 पोस्ट। यहाँ पर लिखा है 2019 की वैकेंसी है, पर फ्रेंड्स ये 2019 का नाम रहेगा, इसका कुछ 19 से लेना देना नहीं है, मैं यही क्लियर कर देता हूँ। प्लाटून कमांडर PSC सब इंस्पेक्टर्स आर्म पुलिस 484 पोस्ट एंड 23 पोस्ट ऑफ FSSO इन UP फायर सर्विस। FSSO को बोलते हैं, जैसे नॉर्मली SO होते हैं, SHO होते हैं, वैसे फायर डिपार्टमेंट में क्या होता है, FSSO होते हैं। ठीक, द बोर्ड इनवाइट्स बीट्स फ्रॉम सेलेक्टेड रिप्यूटेड कंपनीज और एजेंसीज दैट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कोर्सेज, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, और इसमें इनका क्या क्या है देख लेते हैं। रिसीविंग ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म्स इन ऑनलाइन मोड फॉर ऑनलाइन रिटेन एग्जामिनेशन, इनको क्या क्या काम करना होगा, जो भी कंपनी यहाँ पर आएगी, जो भी जिसे चुना जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कोई एक अच्छा एग्ज़ाम कराए हो, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम कराए हो, चाहे स्टेट PSC का एग्ज़ाम कराए हो, चाहे अदर किसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का एग्ज़ाम कराए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम कराए, स्टेट गवर्नमेंट कोई एग्ज़ाम कराए, ये कंडीशन रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, UPPRPB ने कह सकते हैं, UPPRPB ने कंडीशन रखा हुआ है, फिर इनको काम क्या दिया कि आपको ये करना है, अगर आप तैयार हैं तो बोलें। तो क्या क्या करना है इनको, रिसीविंग ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म्स इन ऑनलाइन मोड फॉर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, सेंटर अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट्स एंड जनरेशन एंड ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन CBT मोड एट वेरियस सेंटर्स इन UP, क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ 10,000 क्वेश्चंस एज पर सिलेबस और मोर एज पर रिक्वायरमेंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 शिफ्ट्स ऑफ एग्जाम्स, इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन प्रपोज्ड आंसर की एंड फाइनलाइजेशन ऑफ आंसर की आफ्टर ड्यू
कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स, अपलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर डीवी एंड पीएसटी ऑन वेबसाइट एंड एसएमएस टू कैंडिडेट्स, प्रिपेयरिंग अ फाइनल रिजल्ट एज पर लॉजिक गिवन बाय द बोर्ड, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द ऑनलाइन डेटाबेस फॉर पीएसटी एंड डीवी कैंडिडेट्स एंड एंश्योरिंग देयर करेक्ट अपलोडिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ रिलेवेंट डेटा बाय ट्रेंड स्टाफ एट द वेन्यू, सेटिंग अप ऑन वेब सर्वर्स फॉर कम्युनिकेशन विद कैंडिडेट्स, इस्टेब्लिशिंग अ हेल्पलाइन फॉर कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन वेबसाइट एंड फोन सपोर्ट, एसएमएस टू कैंडिडेट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस। यानी इतना काम इनको करना है, टोटल 12 है, ठीक है। यानी 12 जिम्मेदारी इनकी हैं कि ये चीज़ें निभा सकते हैं तो फिर ये आगे आए, ठीक। द स्केल ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड मे बी असिस दैट अबाउट 10 लाख कैंडिडेट्स मे अप्लाई फॉर सब इंस्पेक्टर्स एंड इक्विवेलेंट पोस्ट, रिक्वेस्ट फॉर क्वेटेशन RFQ इज बीइंग इंक्लोज्ड। यानी कि रिक्वेस्ट फॉर क्वेटेशन का मतलब है कि इन्विटेशन है और इसमें वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सोच समझ के आप लोग आगे आएँ और अपना जो है अपना डिटेल सामने रखें कि आपने क्या क्या पीछे किया है, आप क्या करना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। योर बिट्स इन परसुएंस ऑफ द RFQ में प्लीज़ बी सेंट एट द बिलो एड्रेस इन अ स्केल्ड कवर कंटेनिंग द टेक्निकल बिड एंड द फाइनेंशियल बिट्स इन सेपरेटली सील्ड एनवेलप्स। द बिड मस्ट रीच एट द ऑफिस बाय डेटेड 17th August 2020, यानी लास्ट डेट है 17 अगस्त 2020 2 बजे शाम तक, ठीक है, मीन्स दोपहर तक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मे कम्युनिकेट एट दिस इज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये 17 अगस्त तक यहाँ डेट दिया जा रहा है, ये यहाँ बोला जा रहा है कि नोटिफिकेशन वगैरह भी सब यही निकाल लेंगे, मतलब ऑनलाइन वगैरह सब कुछ यही कराएंगे। और इसके अलग हम देखें अगर RRB NTPC रेलवे की बात करें तो वहाँ नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है, फॉर्म अप्लाई हो चुका है, वहाँ एग्ज़ाम कराने के प्रोसेस से लेकर के बाकी लास्ट के प्रोसेस तक के अभी तक क्या है एजेंसी ढूंढा जा रहा है, जो अभी तक नहीं मिला है। अब आप लोग सोचेंगे मैं NTPC का बात क्यों कर रहा हूं? तो मैं आप लोग को हिंट करना चाहता हूं फ्रेंड्स कि वहां भी पिछले 1 साल से एजेंसी ढूंढने के नाम पर अभी तक कैंडिडेट्स को परेशान किया जा रहा है, और यहां पे भी सेम सिचुएशन ऐसा ही है। ये वैकेंसी इस साल नहीं होने वाली है, ये महज एक बीच में ड्रामा है और कुछ नहीं है। इससे पहले कभी भी ये सब बातें पब्लिक नहीं की गई थी कि कौन सा बोर्ड एजेंसी ढूंढ रहा है, कौन सा बोर्ड नहीं ढूंढ रहा है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन कैंडिडेट्स को गुस्सों को शांत करने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, ये ओपन कर दे रहे हैं कि हम एजेंसी ढूंढ रहे हैं एग्ज़ाम कराने के लिए। बट अभी क्या है, अभी इस वैकेंसी की कोई तैयारी नहीं है, सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। मैं जब भी कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट कहता हूँ। अब आप लोग हो सकता है मैं निगेटिव बोलता हूँ, तो हो सकता है फ्रेंड्स आपकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग है मैच ना करें, लेकिन रियलिटी यही है फ्रेंड्स। ये बस ये दे रहे हैं ताकि कैंडिडेट्स गुस्सा शांत हो जाए, क्योंकि पिछले 3 साल में एक भी वैकेंसी सही से आई नहीं है, पुलिस भर्ती छोड़कर कोई वैकेंसी हुई नहीं है, ठीक है। यूपी में कोई पुलिस की भर्ती का कुछ होती नहीं, जिससे ये हाल हो गया है, और ये भी पुलिस डिपार्टमेंट का SI का है, तो 2016 में इससे पहले भर्ती आई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ भी क्या है, केवल आप गुस्से को शांत करने के लिए किया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन इस साल नहीं आने वाला है, जिनका एज ओवर होने वाला है उनके लिए बहुत नुकसान है, उन्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब आगे कुछ डिटेल देख लेते हैं, इसका पार्ट सेकंड देख लेते हैं। द बोर्ड इज करंटली कैरियंग आउट रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस फॉर मेल फीमेल सब इंस्पेक्टर एंड इक्विवेलेंट पोस्ट इन UP पुलिस RS फॉलो, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल 4498 फीमेल 1125 टोटल 5623 पोस्ट, प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर आर्म्ड पुलिस मेल 484 पोस्ट, ये PSA की बात हो रही है, 484 पोस्ट, फायर सर्विस सेकेंड ऑफिसर मेल 23 पोस्ट, इसी को बोलते हैं FSHO, ठीक है, टोटल 6130 पोस्ट। द बीट्स आर बींग इन्वाइटेड फॉर द कम्प्लीट सेलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस एंड इक्विवेलेंट पोस्ट इन UP पुलिस, ठीक है। दो बिट्स किसके लिए इन्वाइट किए जा रहे हैं, पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस एंड इक्विवेलेंट पोस्ट इन UP पुलिस, और इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए UP पुलिस इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए बिट्स इन्वाइट किए जा रहे हैं, टोटल जो वैकेंसी हो रही है ये, ठीक। और इसमें नेक्स्ट क्या है, द वेरियस स्टेजेस इन करेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली RS फॉलोज, अब कौन कौन सी स्टेज यहाँ बता रहा है फ्रेंड्स, रिसीविंग ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म्स इन ऑनलाइन मोड, एजेंसी फॉर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जनरेशन एंड ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स क्वेश्चन बैंक, क्रिएशन ऑफ 10,000 क्वेश्चन और मोर एज पर सिलेबस, ऑनलाइन रिटन CBT मोड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन एट वेरियस सेंटर्स, इन्विटेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट, जनरेशन ऑफ फाइनल सेलेक्टेड
सेलेक्ट लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्केल ऑफ ऑपरेशंस मे बी असेस्ड बाय द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द लास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सब इंस्पेक्टर्स मोर देन 6.31 लाख एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड। पिछली वैकेंसी में बताया जा रहा है कि 6,31,000 एप्लीकेशन आए थे। नाउ फॉर दिस रिक्रूटमेंट द स्केल ऑफ ऑपरेशंस मे बी ऑफ प्रोसेसिंग अबाउट 10 लाख एप्लीकेशन फॉर सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल एंड इक्वल पोस्ट। अब उम्मीद किया जा रहा है कि इस वैकेंसी में 10 लाख के आसपास एप्लीकेशन आ सकते हैं। द बोर्ड इंटेंड्स टू सीक असिस्टेंस ऑफ एजेंसीज हैविंग प्रूवन कॉम्पिटेंस एंड रिच एक्सपीरियंस इन कैरिंग आउट सिमिलर एक्टिविटीज एंड हैविंग एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट टास्क रिलेटिंग टू वेरियस रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस। द बोर्ड इनवाइट्स बीट्स एज पर डिटेल्स गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो कह रहा है कि अब बोर्ड से हम ऐसी उम्मीद करते हैं सहायता की कि उनके पास मतलब इतनी अनुभव हो कि वो पहले कोई एग्ज़ाम्स कराए हों जिसे अच्छे से कंडक्ट कराए हो और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा हो जहाँ भी वो एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो सब कुछ मतलब हम अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। अब शेड्यूल देख लेते हैं। तो द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज सेल बी एज फॉलोज। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑफर 17 अगस्त 2 PM, यानी कि लास्ट दिन इनको है अपना भेजने का लेटर की हम मतलब इस चीज़ में हम तैयार हैं, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। 17 अगस्त है 2 बजे तक। डेट ऑफ ओपनिंग टेक्निकल बीट्स 20 अगस्त, फिर टेक्निकल बीट्स वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा यानी कि टेंडर वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा शाम को 4 बजे से। कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स तो इनको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपये देना पड़ेगा। इसके अलावा GST भी देना पड़ेगा जो नॉन रिफंडेबल यानी रिफंड नहीं होने वाला है। अर्नेस्ट मनी डिटेल, अगर ये लोग इतना कर लेते हैं तो इन्हें 10 लाख रुपये की कमाई होती है। ठीक है, ये क्या है, अपने फॉर्म के साथ 10,000 प्लस GST देंगे और उनकी कमाई कितनी होती है, 10 लाख रुपये होती है। अब इसमें जितने भी अपने एडजस्टमेंट कर ले एग्ज़ाम वगैरह का और जितना इनका बच्चा है। ठीक, वैलिडिटी ऑफ द बीट कितना है, 6 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ बीट। तो वैलिडिटी कब तक है, 6 मंथ तक है। लास्ट डेट ऑफ बीट कब है, तो आपका देख रहे हैं कि ये अभी आपको दिया नहीं है, मान लीजिए कि जब आपका बीट ओवर हो जाएगा उसके बाद से यहाँ पे वैलिडिटी उनकी रहेगी 6 मंथ्स की। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी एजेंसी ऐसी है कि जो एग्ज़ाम करा सकती है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं अभी तक पुराने कैंडिडेट्स हैं, आपको मालूम है कि इंडिया में या स्टेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कौन कराता है अभी तक, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने कंट्री में मोस्टली 2 ही चल रहे एजेंसी, एक TCS है, एक NTA है। ठीक है, तो NTA क्या है, अधिक संख्या वालों का एग्ज़ाम कभी नहीं कराता है, वो केवल JEE करा रहा है, NEET करा रहा है। बाकी सारे एग्ज़ाम्स TCS अभी तक करा रहा है। SSC भी TCS को छोड़ना चाह रहा था पर नहीं छोड़ पाया। इस साल भी TCS ने ही एग्ज़ाम कराया है। रेलवे भी TCS ही कराएगा, वो भी लोग अभी कंफर्म नहीं कौन सा एजेंसी कराएगा, वो भी इधर भाग रहे हैं, बट TCS ही कराएगा लास्ट में, क्योंकि जितनी फैसिलिटीज जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर TCS के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। तो आप लोगों को और सोचने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्ज़ाम TCS ही कराने वाला है। लेकिन इस साल तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है, अब आगे देख लेते क्या है, थोड़ा डिटेल एज वगैरह के लिए जो आप लोग को प्रॉब्लम है। तो UP पुलिस SI रिक्रूटमेंट 2020 एज लिमिट, कैंडिडेट्स एज शुड हैव बीन शुड हैव बिटवीन 21 to 28 ईयर्स। तो ये किसके लिए, जनरल के लिए। ठीक है, OBC के लिए 21 to 33 है, फॉर SC ST 21 to 33 है। अब यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, पिछली UP कॉन्स्टेबल वैकेंसी से क्या हुआ, कुछ चेंजिंग हो एज में। पहले क्या होता था कि सेंट्रल में और स्टेट में हर जगह OBC को 3 साल छूट मिलता था और SC को 5 साल और ST को 7 साल। लेकिन पिछले पुलिस वैकेंसी के बाद से क्या हुआ है कि सबका बराबर कर दिया गया है, OBC SC ST सबको 5 साल का बराबर छूट दे दिया गया, जिसमें OBC को फ़ायदा मिल गया है और ST का नुकसान हो गया। SC का तो अपनी जगह पे, क्योंकि OBC को 3 साल से 5 साल दे दिया गया है और SC का 5 साल पहले भी 5 साल अभी भी है, और ST का 7 साल था जिसको घटा के 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम इनका ग्रेड पे की बात करें, पे स्केल की बात करें, सब इंस्पेक्टर का जो होता है 9,300 to 34,800 होता है। ठीक है, रुपीज़ में, और इनका ग्रेड पे कितना होता है, 4,200। ठीक, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें भी लेकर कई लोग कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर हम बात करें फॉर SI सिविल पुलिस, तो फिर एनी ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि केवल आपको एक डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की, इसमें परसेंटेज वगैरह का कोई इशू नहीं है, कोई कंडीशन नहीं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज काउंट कब होगा, कब से, मैं बता दूँ फ्रेंड्स, तो मैं मान के चलता हूँ इसका 2 ही डेट मिल सकता है, या तो 1 जनवरी 2021 या फिर 1 जुलाई 2021। उससे पहले एज काउंट नहीं होने वाला है। मैक्सिमम चांस लग रहा 1 जुलाई 2021 जाएगा, क्योंकि ये बीडिंग प्रोसेस इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाला है, टेंडर प्रोसेस इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाला है। आप NTPC का एग्जाम्पल सामने देख रहे हैं, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब इसके आगे जो भी आप सोचो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो बता दिया हूँ कि इस साल वैकेंसी नहीं आएगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 10-15 बार रिपीट कर ही चुका हूँ कि इस साल वैकेंसी अब नहीं आने वाली है। अब स्टेजेस वगैरह देख लेते हैं। यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2020 सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोइंग थ्री स्टेप्स विल बी फॉलोड इन यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम पीटी एनडीवी। तो क्या क्या है? ऑनलाइन रिटन एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड पीएमटी। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इज डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट क्राइटेरिया। इसमें क्या क्या होता है? तो रेस होता है, मेल के लिए कितना होता है 4.8 km दौड़ना होता है 28 मिनट्स में, एंड फीमेल को कितना करना होता है तो 2.4 km दौड़ना होता है 16 मिनट्स में, यानी 16 मिनट 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है। हाइट की बात करें तो फ्रेंड्स मेल के लिए 168 सेंटीमीटर होता है, ठीक, और केवल स्टिक उसमें छूट मिलता है अगर 160 सेंटीमीटर उसका हाइट है तो एलिजिबल है। और फीमेल के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, 152 सेंटीमीटर हाइट होता है और 147 जो होता है वो एसटी कैटेगरी फीमेल के लिए होता है, और चेस्ट केवल मेल का चेक किया जाता है। ठीक है, तो फिर चेस्ट कल मेल का होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल जो होता है चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करने पर फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहीं एसटी को यहाँ भी छूट मिला है तो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर एसटी के लिए नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हो गया, इतनी बातें। अब क्या बच जा रहा है फ्रेंड्स, मैं जो यहाँ बोलने को बोला हूँ, हाँ तो विज्ञापन कब आएगा ये बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो विज्ञापन जो आपका है फरवरी मार्च में आने की उम्मीद है, उसके आगे भी जा सकता है। अगर फरवरी मार्च में आता है तो ये लोग 1 जनवरी से काउंट कर सकते हैं, अगर जून जुलाई में आता है तो फिर ये लोग 1 जुलाई को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यही दो डेट है जहां उम्मीद लगता है कि काउंट होगा। इस साल वैकेंसी नहीं आने वाली, ये महज एक अफवाह है। जैसा कि आप जान रहे हैं अभी लेखपाल भर्ती को लेकर के कोचिंग वाले टूट पड़े हैं, जैसा कि मैं एक दिन फेसबुक पोस्ट अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बताया था कि हर जगह कमाई के जरिए स्टार्ट हो गया, तो कुछ लोग मेरे बात को गलत तरीका ले लेते, वो लोग समझ ले मैं गवर्नमेंट के ऊपर ये कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं गवर्नमेंट की बात ऊपर नहीं बात कहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोचिंग वाले यूट्यूबर्स जो हैं अपने कमाई का धंधा खोलना शुरू कर दिए, क्योंकि दोनों वैकेंसी का अब अफवाह ज़्यादा फैल गया है। क्योंकि अब क्या करेंगे, वो बोलेंगे वैकेंसी सितंबर में आएगी, वैकेंसी अक्टूबर में आएगी, वैकेंसी नवंबर में आएगी, 2 महीने कोर्स लो, 3 महीने कोर्स लो, 4 महीने कोर्स लो, ऐसे करना शुरू कर देंगे। और ऐसा कर चुके हैं कई कोचिंग वाले, ठीक है, कई यूट्यूबर्स कर चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन में क्या कमाई नहीं हो पा रही तो ऐसा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सफर करने की ज़रूरत है, मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया था, मैं बस ये करता है कि आप लोग कोचिंग वालों से बच के रहें। ठीक है, और तैयारी कब से करें फ्रेंड्स, तैयारी फ्रेंड्स आप सेल्फ स्टडीज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है कि इनका मटेरियल सही ही होगा, इनका आंसर सही ही होगा किसी क्वेश्चन का। तो आप जब तक सेल्फ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर बुक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लूसेंट कवर करें, उसके बाद क्या है कि आपको लेना होगा, उसके बाद आप घटना चक्र की बुक्स ले सकते हैं, ये जो धारा वगैरह का बुक होता है, ठीक है, जो धाराएं होती हैं, संविधान हुए, इसका अच्छा अच्छा बुक आता है अलग अलग। और हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन ना ले, पहले कोई और ले। आदित्य पब्लिकेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, केवल प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता। अगर हिंदी में आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो कोई और बुक ले, अपने अकॉर्डिंग देख करके लूसेंट का ले सकते हैं और कोई ले सकते हैं। आदित्य लास्ट में लगाने के लिए होता है, जब आप सब कुछ कॉन्सेप्ट सीख चुके हों तब के लिए होता है। आप यूथ का ले सकते हैं, हिंदी वगैरह मिल जाए तो यूथ बहुत अच्छा पब्लिकेशन माना जाता है। ठीक है, तो आप ये सब ले सकते हैं, मतलब जो भी ले, आप यूथ का ले या फिर आप घटना चक्र का ले, ये दोनों बहुत फेमस हो चुके हैं इस समय, चाहे यूपी के लिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बाकी आपके हाथ में है कि आप कौन सा बुक लेते हैं, आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना था, वैकेंसी अभी नहीं आने वाली, आप लोग परेशान ना हो और कोचिंग वालों से बच के रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।